वीकेंड न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। आपने अक्सर सुना होगा कि बिन बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। जब तक आपको कहीं पे बुलाया ना जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। खासकर शादियों के मौके पर तो ये कहावत मशहूर है कि बारात और दूल्हा भी बिन बुलाए बारात लेकर नहीं जाते। अक्सर बिन बुलाए चले गए तो उनकी कई बार शामत भी आ सकती है। याद कीजिए थ्री इडियट मूवी का वह सीन जिसमें आमिर खान और उसके दोस्त एक शादी पार्टी में बिन बुलाए मेहमान बनकर चले जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। हालांकि वह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन भोपाल में एक स्टूडेंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वह शादी में खाना खाते हुए पकड़ा गया और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ, आइए आपको बताते हैं। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमबीए कर रहा एक युवक शादी में पहुंच गया और वहां पर लजीज व्यंजन खाना शुरू कर दिया। आयोजकों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती करते हुए उससे बर्तन धुलवाने लगे। जब युवक बर्तन साफ कर रहा था, उस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि अब खूब वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो। बर्तन धोए यार, दो दो बर्तन दो। काहे के लिए आए थे इधर? क्यों, काहे के लिए आए थे? खाना खाने। ये जी खाना खाने। किसी ने बोला था तुमसे? इधर तो देखो, किसी ने बोला था? जी आ गए थे फ्री में। अब मालूम है तुम्हें खाना खाने की सजा क्या है? फ्री में खाना खाने की सजा क्या है? दो अच्छे से दो जरा। घर में कैसे धोते हो? क्या करते हो? उनको जूना दे दो ना। दो दो इससे दो, इससे इनको एक बताओ तो कैसे धुलती है? घर में धोते हो ना? क्या करते हो? अरे काम क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ। काय में पढ़ रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? एमबीए कर रहा हूँ। भाई यार एमबीए कर रहा हो तुम, अभी कौन सी उसमें हो? फर्स्ट ईयर में। कहाँ के रहने वाले तुम? आयोजकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की शिकायत भोपाल पुलिस को की गई है। इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।